हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचवीएस स्टडीज। तो दोस्तों, आज रहेगी 13th में, आज आपका एग्जाम नहीं रहेगा एमटीएस का, आज आपका एग्जाम नहीं है। प्रैक्टिस सेट की वीडियो रहेगी जो आज हम इस वीडियो में कवर कर रहे हैं। आपका एग्जाम हो चाहे आपका ना एग्जाम नहीं हो, जो प्रैक्टिस सेट होते हैं हम आपको वो प्रोवाइड कराते हैं, जिसमें क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को हम कवर करते हुए चलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपको पीडीएफ के लिए एक तो व्हाट्सएप ग्रुप प्रोवाइड कराया गया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। साथ ही साथ एक टेलीग्राम की आपको ग्रुप का भी लिंक प्रोवाइड करा दिया गया है। तो दोनों में से आप जिसको भी ज्वाइन करना चाहें पीडीएफ के लिए, एग्जाम पीडीएफ के लिए, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। डेली करंट अफेयर की वीडियोज के लिए उनकी जो पीडीएफ रहेगी उसके लिए अलग टेलीग्राम ग्रुप रहेगा, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच अमंग दी फॉलोइंग बुक इज रिटन बाय विष्णु शर्मा। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई है। तो इसमें पंचतंत्र हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन को हम ऑलरेडी काफी बार कवर कर चुके हैं। यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे, विष्णुगुप्त, चाणक्य और कौटिल्य तीनों एक ही रहेंगे, अर्थशास्त्र इनकी बुक रहेगी। आनंद मत बुक को लिखा गया है बंकिम चंद चैटर्जी के द्वारा। पतंजलि की बुक रहेगी महावस्या। कालना की बुक है राजतरंगिनी। बाना भट्ट की हो जाएगी कादंबरी और हर्षचरित्र। आर्य भट्ट की है सूर सिद्धांत। मेगस्थनीस की है इंडिका। कालिदास की रहेगी मेघदूत। पाणिनि की है अष्ट अध्याय। हर्षवर्धन की है प्रियदर्शिका और रत्नावली। अश्वघोष की है बुद्ध चरित्र। जयदेव की रहेगी गीत गोविंद। वत्स्यायना की है कामसूत्र और वीरसेन की रहेगी आपकी नवरत्न। आपको यहां से कोई ना कोई क्वेश्चन जल्द ही आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिल जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम्स के लिए बुक्स एंड ऑथर्स का। ज्यादातर हर शिफ्ट में, अभी तक जितनी भी शिफ्ट हुई है, ज्यादातर हर एक शिफ्ट में बुक्स एंड ऑथर या फिर जो ऑटोबायोग्राफीज है उनसे क्वेश्चन एग्जाम्स में देखने को मिले हैं। अगर ये जो टॉपिक है हमारा, इसकी सेपरेट वीडियो आपको देखनी हो तो वो आपको 6 से 7 वीडियोज हैं बुक्स एंड ऑथर्स की जो आपको मिल जाएंगी। ऑल स्टैटिक जीके टॉपिक के नाम से एक प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, उस प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोज प्रोवाइडेड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री इन ऑफ इंडिया इन अगस्त 2019। अगस्त 2019 में भारत के किस मंत्रालय द्वारा वन नेशन वन राशन कार्ड योजना शुरू की गई थी। तो ये भी क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है हमारा, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स पब्लिक एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्ट्री के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। जो स्कीम टॉपिक है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है आपके एग्जाम्स के लिए। अभी तक जो शिफ्ट हुई हैं उनमें काफी बार स्कीम से क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। स्कीम्स की भी एक सेपरेट वीडियो है जिसको हमने फुल डिटेल में कवर किया है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ। अगर बात करें स्कीम्स की तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना ये आपकी 2017 में लॉन्च हुई थी। सुकन्या समृद्धि योजना 2015 में। नेशनल मिशन फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन 2011 में। ई संवाद पोर्टल और नारी वेब पोर्टल 2018 में लॉन्च हुआ। पीएम स्वास्थ्य सुरक्षा योजना 2003 में। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान 2016 में। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 में। पीएम ग्रामीण आवास योजना 2015 में। पीएम ग्राम सड़क योजना और अंत्योदय अन्न योजना ये आपसे पूछी गई थी, इसमें 2000 जो था वो आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015 में। पीएम युवा योजना ये भी आपसे पूछी गई थी 2016, इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था। मिड डे मील स्कीम को 1995 में लॉन्च किया गया था। यहाँ पे सिर्फ हमने ईयर आपके डिस्कस करे हैं, लेकिन जो स्कीम्स होती हैं उनसे ईयर के अलावा भी और क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो उसके लिए जो हमारी सेपरेट वीडियो है आप उसको देख सकते हैं, उसमें आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी स्कीम से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन है फिर हमारा, इन 2019 भारत रत्न इज गिवन टू विच पर्सनैलिटी बाय प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। 2019 में भारत रत्न राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किन हस्तियों को दिया गया है। तो इसमें हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा। तीन लोगों को जो लेटेस्ट हमारा भारत रत्न मिला है वो 2019 का ही रहेगा, जिसमें जो कि मिला है प्रणब मुखर्जी को, नानाजी देशमुख को और भूपेन हजारिका को। ये तीन लोग रहेंगे जिनको भारत रत्न दिया गया था। अब यहाँ पे भारत रत्न की बात हुई है तो भारत रत्न को एक बार देख लेते हैं। तो पहले पर्सन जिनको भारत रत्न मिला था वो रहेंगे 1954 में सीराज गोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सीवी रमन। कितना मनी प्राइज मिलता है भारत रत्न के साथ, तो कोई भी मनी प्राइज नहीं मिलता। यंगेस्ट पर्सन कौन है जिनको भारत रत्न मिला है, तो वो सचिन तेंदुलकर रहेंगे।
पहले अगर पर्सन की बात करी जाए, भारत रत्न स्पोर्ट की फील्ड में जीतने वाले, वो भी आपके सचिन तेंदुलकर रहेंगे। और ये दोनों ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एक साल में मैक्सिमम भारत रत्न कितने लोगों को दिया जा सकता है? तो टोटल 3 लोगों को, एक साल में 3 लोग से ज़्यादा को भारत रत्न नहीं दिया जाता। भारत रत्न जो प्रेजेंट किया जाता है उसको प्रेसिडेंट प्रेजेंट करते हैं। कलर कौन सा होता है थ्रेड का भारत रत्न का? तो वो व्हाइट कलर का होता है। 2 नॉन इंडियंस जिनको भारत रत्न मिला वो आपके खान अब्दुल गफार खान रहेंगे और नेल्सन मंडेला। खान अब्दुल गफार खान है पाकिस्तान से और नेल्सन मंडेला रहेंगे आपके कहाँ से? साउथ अफ्रीका से। नेल्सन मंडेला की एक बुक भी रहेगी जो हमने आपको बहुत बार कवर कराई है, इनकी ऑटोबायोग्राफी है। अगर आपको इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम याद है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, पहली भारतीय महिला कौन है जिनको भारत रत्न मिला? तो वो इंदिरा गांधी रहेंगी। पहले पर्सन जिनको भारत रत्न उनकी डेथ के बाद दिया गया तो वो लाल बहादुर शास्त्री हैं। टोटल भारत रत्न जो अभी तक मिल चुके हैं 2023 तक, वो टोटल है 48 लोगों को भारत रत्न मिल चुका है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि सिर्फ 79 रुपीज़ में आपको एक ईबुक मिल रही है जिसमें आपको टोटल 19 टॉपिक्स मिल रहे हैं, जिसमें कुछ हमारे स्टैटिक जीके के टॉपिक्स हैं और कुछ करंट अफेयर 2022 के टॉपिक्स हैं। ये सब आपके वही टॉपिक्स हैं जिनसे एग्जाम्स में बार बार क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ये ईबुक अवेलेबल कराई गई है बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इस ईबुक को बाय कर सकते हैं। अगर डाउनलोडिंग में कुछ भी इशू आता है तो नीचे हमारी जीमेल आईडी है, आप इस पे हमको डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हु रिजाइंड विदाउट कंप्लीटिंग फुल टर्म? तो भारत के पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने पूर्व कार्यकाल पूरा किए बिना इस्तीफा दे दिया तो वो कौन है? तो वो थे हमारे मोरारजी देसाई। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि फर्स्ट इंडियन की बात करी गई है तो फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर कौन थे, इसी तरीके से फर्स्ट इंडियन जो टॉपिक है हमारा फर्स्ट इन इंडिया उसको कवर करते हैं। तो पहले इंडियन जो स्पेस में गए वो हैं राकेश शर्मा। पहले इंडियन कमांडर इन चीफ इंडिया के थे जनरल कैरियप्पा। पहले इंडियन प्रेसिडेंट रहेंगे जिनकी ऑफिस में डेथ हुई जाकिर हुसैन। पहले इंडिया के फील्ड मार्शल वो थे SHF मानिक शाह। पहले इंडियन जिनको नोबेल प्राइज मिला रविंद्रनाथ टैगोर रहेंगे 1913 में। और इनकी कौन सी बुक थी? तो गीतांजलि जो बुक है इनकी उसके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था। पहले इंडियन जिन्होंने इंग्लिश चैनल को पार किया वो आपके मिहिर सेन थे। पहले लोकसभा के स्पीकर GV मावलंकर थे। पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे अबुल कलाम आज़ाद। पहले होम मिनिस्टर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। पहले इंडिया के एयर चीफ मार्शल थे S मुखर्जी। पहले इंडिया के नेवल चीफ कौन थे? तो वो थे RD कटारिया। पहले इंडिया के अगर पर्सन की बात करी जाए जिनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया तो वो सोमनाथ शर्मा रहेंगे आपके। पहले इंडिया के चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? तो वो थे हमारे सुकुमार सेन। तो ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं फर्स्ट इन इंडिया से रिलेटेड जो कि आपको याद रखने हैं। बाकी जो ये टॉपिक है इसकी सेपरेट वीडियो भी चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, आप उसको भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच इज द प्लेनेट नियरेस्ट टू द सन? तो सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? तो वो हमारा हो जाएगा मरकरी। मरकरी जो है ये नियरेस्ट प्लेनेट है आपके सन के। और अगर अर्थ की बात करी जाए तो अर्थ तीसरा प्लेनेट रहेगा, पहला मरकरी है और अर्थ क्या है तीसरे नंबर का नियरेस्ट प्लैनेट रहेगा आपके सन के, सूरज के। अगर यहाँ प्लैनेट्स की बात करी जाए तो सबसे दूर जो प्लैनेट है सन के वो है नेपट्यून। हॉटेस्ट प्लैनेट रहेगा आपका वीनस। लार्जेस्ट प्लैनेट सोलर सिस्टम का जुपिटर है। स्मॉलेस्ट प्लैनेट मरकरी है। कौन से प्लैनेट को रेड प्लैनेट बोलते हैं? तो वो मार्स को बोला जाता है। सबसे ज़्यादा मून्स कौन से प्लैनेट के हैं? तो वो जुपिटर के हैं, टोटल 92 मून्स रहेंगे। कौन सा प्लैनेट है जिसका कोई भी मून नहीं है? तो वो मरकरी और वीनस हो जाएगा। अगर बात करी जाए फोबोस और डिमोस, ये दो नेचुरल सैटेलाइट्स हैं कौन से प्लैनेट की? तो मार्स की। गैनीमेड बिगेस्ट मून रहेगा कौन से प्लैनेट का? जुपिटर का। कौन सा प्लैनेट है जिसको इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार के नाम से भी जाना जाता है? तो वो वीनस हो जाएगा। कौन से प्लैनेट का मून है? टाइटन। टाइटन जो है ये आपका सैटर्न जो प्लैनेट है उसका एक मून हो जाएगा। फिर ये टॉपिक भी पता नहीं अभी तक क्यों नहीं पूछा गया आपसे, लेकिन एग्जाम में SSC के एग्जाम्स में इस टॉपिक से भी क्वेश्चंस आपके ज़रूर बनते हैं। तो हो सकता है कि आगे शिफ्ट में आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाए, सिटीज़ अराउंड रिवर, मतलब जो हमारी सिटीज़ हैं वो कौन सी रिवर के अराउंड सिचुएटेड हैं, ये टॉपिक आपका रहेगा। तो अयोध्या जो जगह है उत्तर प्रदेश में इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? अयोध्या उत्तर प्रदेश में किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, सरयू रिवर। सरयू रिवर के अराउंड सिचुएटेड है आपका उत्तर प्रदेश में अयोध्या सिटी।
अगर यहाँ पे सिटीज़ की बात करी जाए तो श्रीनगर जो जगह है आपकी वो है झेलम रिवर पे, बद्रीनाथ है अलकनंदा रिवर पे, अहमदाबाद सिचुएटेड है साबरमती रिवर पे, न्यू दिल्ली है यमुना रिवर पे, सूरत सिचुएटेड है तापी रिवर पे, मथुरा है आपका उत्तर प्रदेश में यमुना रिवर के अराउंड, मजूली आइलैंड आप सबको पता है दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड रहेगा, ये आपका कहाँ पे है आसाम में, कौन सी रिवर पे सिचुएटेड है तो ये आपका ब्रह्मपुत्र रिवर के अराउंड सिचुएटेड हो जाएगा। कानपुर आपका कहाँ पे है गंगा रिवर पे सिचुएटेड है, आगरा है यमुना रिवर के अराउंड सिचुएटेड, गुवाहाटी है ब्रह्मपुत्र रिवर के अराउंड, लखनऊ हो जाएगा गोमती रिवर के अराउंड, उज्जैन हो जाएगा शिप्रा रिवर के अराउंड, उज्जैन एग्जाम में आपके SSC के एग्जाम्स में तो बहुत बार पूछा गया है, पटना हो जाएगा गंगा रिवर के अराउंड सिचुएटेड। बाकी जो ये टॉपिक है हमारा सिटीज अराउंड रिवर, ये इस टॉपिक की सेपरेट वीडियो भी आपको चैनल पे प्रोवाइडेड है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, तो भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है, तो वो है 3214 किलोमीटर। ये क्या रहेगा, इंडिया का जो नॉर्थ बाउंड्री से लेके नॉर्थ जो पॉइंट है हमारा वहां से लेके सदर्न पॉइंट जो है हमारा वहां तक का जो डिस्टेंस है वो हमारा 3214 किलोमीटर का है। अगर ईस्ट से वेस्ट की बात करी जाए तो 2933 किलोमीटर का रहेगा। इंडिया की जो लैंड बॉर्डर है उसकी लेंथ है 15200 किलोमीटर, इंडिया के कोस्टल एरिया की लेंथ है 7516.6 किलोमीटर, इक्वेटर से डिस्टेंस रहेगा 876 किलोमीटर, स्टैंडर्ड टाइम लाइन जो है इंडिया का वो है 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है ये लाइन पास करती है 5 स्टेट से जिसमें हमारी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश शामिल है। IST जो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इससे रिलेटेड ऑलरेडी आपकी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री कम्स अंडर विच आर्टिकल, तो कृषि और पशुपालन का संगठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो ये हमारा आर्टिकल 48 के अंडर आता है। आप सबको पता ही होगा कि जो हमारे आर्टिकल्स हैं कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम्स के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हैं जो कि आर्टिकल से भी आपके रिपीट हुए हैं एग्जाम में, तो इसलिए इस टॉपिक को आप अच्छी तरीके से जरूर तैयार कर लें। सेपरेट एक आपको वीडियो मिल जाएगी आर्टिकल्स की जिसमें हमने सारे आर्टिकल्स को कवर किया है, उसको आप जरूर देख लें, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब अगर यहां पे हम आर्टिकल्स की बात करें, आर्टिकल 47 में आता है ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड टू इंप्रूव पब्लिक हेल्थ। 49 में हमारा आता है प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट प्लेस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ नेचुरल इंपॉर्टेंस। सिर्फ ये छोटी सी जो स्लाइड है हमारी 15 इसमें ज्यादा से ज्यादा 15 आपके क्या होंगे आर्टिकल्स होंगे, यहां से कितने क्वेश्चंस आपके अभी तक एग्जाम में पूछे जा चुके हैं उनको हम कवर करेंगे। तो आर्टिकल 50 आपका पूछा जा चुका है जिसमें हमारा सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव आता है। आर्टिकल 51 पूछा जा चुका है जिसमें आता है प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। आर्टिकल 51A पूछा जा चुका है जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज आती है हमारी। आर्टिकल 63 रहेगा हमारा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 64 आपसे पूछा जा चुका है वाइस प्रेसिडेंट टू बी दी एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट। 66 में इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट आता है। 76 ऑलरेडी पूछा जा चुका है आपका जिसमें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया रहेंगे आपके। 79 में आता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट। 80 में आता है कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा। 81 में आता है कंपोजिशन ऑफ लोकसभा और 83 में आता है हमारा ड्यूरेशन ऑफ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो ये हमारे टोटल आर्टिकल्स हैं जहां पे से आप देख सकते हैं कि 5 आर्टिकल्स तो सिंपल यहीं स्लाइड से आपसे ऑलरेडी एग्जाम में हमारे पूछे जा चुके हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है ये एक मेन रोल प्ले करती है आपके एग्जाम के लिए, तो आप इस चीज़ को जरूर ध्यान रखें कि ये जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है आप इसको बिल्कुल भी मिस ना करें, एग्जाम में इससे बहुत ज़्यादा मदद आपको मिल रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फ्लावर, तो निम्नलिखित में से कौन एक फूल का भाग नहीं है, तो इसमें पेट्यूल जो था ये आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कल की शिफ्ट में फ्लावर का जो इनर मोस्ट पार्ट होता है वो आपसे पूछा गया था, तो ओवरी या ओव्यूल जो होता है वो इनर मोस्ट पार्ट होता है फ्लावर का। एक बार और देख लेते हैं, तो बीच में आप देख सकते हैं फ्लावर के ये पार्ट रहेगा, इसमें आपका ओवरी और ओव्यूल आता है। बाकी और कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, तो ओवरी, ओव्यूल, पोलन ट्यूब, स्टाइल हो गया आपका और स्टिग्मा होगा, ये सब मिलके क्या बनाते हैं, ये फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम जो होता है जिसको कार्पेल बोलते हैं वो होता है, इन सबको मिलके बनता है। 5 ही पार्ट्स रहते हैं आपके। फिर हमारा जो नीचे जॉइंट वाला पार्ट होता है वो होता है हमारा रेसेप्टिकल, जो कि क्या होता है जनरेशन ऑफ फ्लावर ऑर्गेनिज्म। उसके नीचे हमारी फिर स्टेम हो जाती है, तो सबको पता ही होगा जो पत्तियां होती हैं उसको सेपल बोला जाता है, जो कि प्रोटेक्शन ऑफ फ्लावर बड्स, जो फ्लावर बड्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करती हैं।
फिर जो मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम होता है उसको स्टेमन बोला जाता है फ्लावर में, जो कि एंथर और फिलामेंट इन दोनों से मिलके बना होता है। और फिर पेटल्स आती हैं, जो फूल की पत्तियां होती हैं वो पेटल्स होती हैं पोलिनेशन के लिए। ये आपकी येलो आप जो देख सकते हैं, ये जो आप पिंक देख रहे हैं ये क्या रहेगा आपका, ये हो जाएगा पेटल। तो ये आपका पार्ट्स होते हैं फ्लावर के। अब ये टोटल हमारे क्वेश्चंस थे आपके लिए एक्सपेक्टेड प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस। यहाँ पे एक क्विज का क्वेश्चन है जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। तो आज का हमारा क्विज का क्वेश्चन है, अयोध्या उत्तर प्रदेश इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। तो अयोध्या जो जगह है उत्तर प्रदेश में, ये किस नदी के किनारे स्थित है। तो गिविन ऑप्शंस में से आपका जो भी करेक्ट आंसर है आप उसको कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके से प्रैक्टिस सेट्स हम आपको लगातार प्रोवाइड कराते आ रहे हैं, साथ ही साथ हर शिफ्ट की एनालिसिस आपको हमारे चैनल पर मिल रही है। तो अगर आपको वीडियोज पसंद आ रही हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को जरूर लाइक कर दें। अगर आपको ईबुक्स बाय करनी हो या फिर आपको प्लेलिस्ट से सेपरेट वीडियोस देखनी हो तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन को विजिट करना होगा, डिस्क्रिप्शन में आपको सारी वीडियोस प्रोवाइडेड है। धन्यवाद।